जैसा कि आप सब जानते हैं, वर्ष 1931 में आज के दिन भारत माता के तीन महान सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इन महान वीरों ने भारत की स्वतंत्रता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अल्पायु में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और एक संविधान स्वाधीन एवं सशक्त राष्ट्र की नींव रखी। इन शहीदों की वीरता, शौर्य और देशभक्ति हमारे युवाओं और समस्त देशवासियों के लिए प्रेरणा की स्रोत रहेगी। इस अवसर पर हम इन महान सपूतों को की शहादत को नमन करते हैं। हम सदन एवं समस्त राष्ट्र की ओर से इन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अपने जीवन में उनके महान विचारों एवं आदर्शों के अनुसरण का संकल्प लेते हैं। माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मुझे सभा को हमारे तीन पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री सत्यव्रत मुखर्जी पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री मुखर्जी मानव संसाधन विकास संबंधी समिति के सदस्य थे। उन्होंने रसायन और उर्वरक, सामाजिक न्याय अधिकारिता, अंतरिक्ष योजना, सांख्यिकी और कार्यक्रम, कार्यान्वयन मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार के साथ साथ ऊर्जा विभाग में केंद्रीय राज्य मंत्री के पद पर कार्य किया। श्री सत्यव्रत मुखर्जी का निधन 23 मार्च 2023 को 90 वर्ष की आयु में कोलकाता में हुआ। श्री सोहन पोटाई अविभाजित मध्य प्रदेश के राज्य के कांकेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 12वीं और 13वीं लोकसभा के सदस्य तथा छत्तीसगढ़ के कांकेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 4वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री पोटाई ने रेलवे, सूचना प्रौद्योगिक, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण तथा खाद्य उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण संबंधी समितियों के सदस्य के रूप में कार्य किया। श्री सोहन पोटाई का निधन 9 मार्च 2023 को 64 वर्ष की आयु में कांकेर में हुआ। श्री रंगास्वामी ध्रुव नारायण कर्नाटक के चामराज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री ध्रुव नारायण रक्षा, सामाजिक न्याय अधिकारिता, प्राकलन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कल्याण तथा रसायन और उर्वरक समिति के सदस्य थे। इससे पूर्व श्री रंगास्वामी जी दो कार्यकाल के लिए कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। श्री रंगास्वामी जी का निधन 11 मार्च 2023 को 61 वर्ष की आयु में मैसूर में हुआ। ये सभा हमारे पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है, शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं के और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कुछ देर मौन रहेगी। ओम शांति। भारत रत्न देना चाहिए सर। क्वेश्चन नंबर 321 श्रीमती क्वीन ओझा। प्रश्नकाल के बाद माननीय सदस्य आप इतना नाराज नहीं हो, आप इतना नाराज मत हो। प्रश्नकाल के बाद आपको मैं बोलने की इजाजत दूंगा। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, प्रश्नकाल के बाद आपको मैं बोलने की इजाजत दूंगा। क्वीन ओझा, माननीय मंत्री जी, स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। गणेश सिंह जी, पूछना चाहते हो? माननीय सभापति महोदय,
मैंने किसी भी माननीय सदस्य को बोलने से नहीं रोका और नियमों प्रक्रियाओं के तहत आप सभी माननीय सदस्यों ने पूरी बात अपनी सदन के अंदर रखी है और आज भी मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूं जी से कि माननीय सदस्य उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। नियमों के पूरे देश भर में सभी माननीय सदस्य 9 करोड़ से ज्यादा घरों में सकते हैं, ये महिलाओं के नाम से जो एलपीजी के कनेक्शन दिए गए हैं, यह भारत की आजादी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। और आज उन घरों में भी, झोपड़ियों में भी एलपीजी गैस पहुंच गई। अधीर रंजन जी, आपने कैसे फैसला कर लिया? नहीं बोलने कभी कोई कल्पना नहीं किया था। मैं चेयर से बोल रहा हूँ, एलपीजी घर एलपीजी के तहत बोलने की इजाजत बड़े घरों में हुआ करता था, लेकिन आज गरीबों के घर में भी एलपीजी के कनेक्शन पहुंच गए। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि क्या मंत्री जी बड़े सिलेंडरों की जगह क्या छोटे सिलेंडर बनाकर क्या गरीबों को देने की तैयारी कर रहे हैं? राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, शर्म करो माननीय। आप सदन नहीं करना चाहते माननीय सदस्य? देश चाहता है सदन चले, उनके मुद्दों पे चर्चा हो, उनकी कठिनाइयों पे चर्चा हो। मेरी कोशिश रहती है कि सदन चले। आप अगर सदन नहीं चलाना चाहते हैं, सदन में नारेबाजी करना चाहते हैं, तो सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की